show you off in Lambos out on Collins. I be तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक शादब गेमिंग स्टार यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज को हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रियल क्रिकेट 22 के बारे में। जैसे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भैया जो रियल क्रिकेट 22 है क्या गाइस वो गेम अभी तक रेडी हुआ या नहीं, तो गाइस यही बात करने वाले इस वीडियो में। और आपको वीडियो को लास्ट में इसकी रिलीज डेट भी बताने वाला था, इस वजह से वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जाकर ज्वाइन कर लेना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, देखकर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया था, भैया देखकर आप लोगों के मन में ये बहुत बड़ा यहाँ पर डाउट है कि भैया क्या अभी तक यहाँ पर गेम रेडी नहीं हुआ है, इसलिए कैसे यहाँ पर कंपनी यहाँ पर गेम को लॉन्च नहीं करी, आप लोग कैसे ये यहाँ पर सोच रहे हैं। लेकिन कैसे ऐसी बात नहीं है, देखो यहाँ पर कैसे यहाँ पर गेम कैसे मुझे कैसे जहाँ तक लगता है भाई देखो रेडी हो गया है बस। देखो अगर कैसे यहाँ पर रेडी नहीं होता था गेम तो कैसे इसका यहाँ पर कैसे यहाँ पर ट्रेलर ही कंपनी लॉन्च नहीं करती। देखो कोई भी गेम मतलब कैसे रेडी होने के बाद ही कंपनी उसका यहाँ पर ट्रेलर लॉन्च करती है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन कैसे देखो अब कैसे मेरे को कैसे यहाँ तक लगता है भैया कि देखो अब आप लोग बोल रहे हो भैया कि फिर अगर गेम रेडी हो गया तो फिर गेम आपको देखने के लिए क्यों नहीं मिला। तो देखो गेम कैसे आपको इसलिए देखने के लिए नहीं मिला, अभी 1GB 2GB रैम फोन के अंदर वर्क कराने में और कैसे ना जो बग्स आ रहे थे भैया, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो अभी तक कैसे यहाँ पर मतलब फिक्स नहीं हुई है गैस, इसलिए कैसे यहाँ पर इस कंपनी को कैसे यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब देखा गेम तो पूरी तरह से यहाँ पर रेडी हो गया बस गए, जो भी इसमें छोटे छोटे जो प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल इशू ये वो गए कंपनी का यहाँ पर फिक्स करना, इसलिए कैसे कंपनी का इतना यहाँ पर टाइम ले रही है क्योंकि इस कंपनी नहीं चाहती कि इतना बड़ा गेम है और कैसे कंपनी नहीं चाहती कि भैया आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई इस गेम लॉन्च होने के बाद। तो इसलिए कैसे कंपनी मतलब इतना यहाँ पर मतलब टाइम ले रही है कि कंपनी चाहती है कि इधर यहाँ पर टाइम ले लेकिन उधर आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ना हो गेम लॉन्च होने के बाद। तो इसलिए कैसे यहाँ पर गेम इतना ज़्यादा डेली हो रहा है। अब कैसे बात करते हैं आखिर आपको गेम कब तक देखने के लिए मिल सकता है। देखो गाइस मुझे जहाँ तक लगता है भैया देखो आपके यहाँ पर 25 महीने से पहले आपके यहाँ पर गेम देखने के लिए मिल जाएगा। और देखो इतना कंफर्म है कि भैया जो गेम है इसी महीने में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि गाइस जून के अंदर यहाँ पर ई स्पोर्ट टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था। देखो उससे पहले गाइस आपके यहाँ पर गेम देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि अगर आपको यहाँ पर गेम के कंट्रोल ही नहीं पता होगे तो फिर गाइस हम यहाँ पर ई स्पोर्ट में कैसे आप अच्छा खेल ही नहीं पाओगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए कैसे कंपनी ने कैसे नहीं चाहिए कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो टूर्नामेंट के अंदर, तो कैसे वो बहुत ही जल्दी आपको गेम देखने के लिए मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। उसके बाद आपको यहाँ पर ई स्पोर्ट टूर्नामेंट भी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेगा कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।